नमस्कार फ्रेंड, मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए इस चैनल में आज की इस वीडियो में देखते हैं अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक करेंगे घर बैठे बैठे फिंगर ट्रिप पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से। ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करने से पहले आपको अंगुली पर नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए, नाखून साफ होने चाहिए। यदि हाथ ठंडे हो तो दोनों हाथों को रगड़कर हाथ गर्म करें। नंबर टू, ऑक्सीजन नापने से कम 5 मिनट के लिए आराम करना चाहिए। नंबर थ्री, दिल की तरफ छाती पर अपना हाथ रखें, फिर ऑक्सीजन ऑन करें और ऑक्सीमीटर में मिडल या तर्जनी इंडेक्स फिंगर अंगुली डालें। शुरुआत में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए ऑक्सीजन लेवल स्थिर होने की प्रतीक्षा करें। जब तक रीडिंग स्थिर ना हो तब तक ऑक्सीमीटर को कम से कम 1 मिनट या उससे अधिक समय तक ऑन रखें। दिन में 4 बार एक ही अंतराल पर ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। हर 4-4 घंटे में प्रत्येक रिकॉर्डिंग को नोट करें। ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे इसके लिए घर पर 4-5 तकियों के सहारा उल्टा लेटकर सांस लें। COVID-19 रोगियों के लिए ये ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी महत्वपूर्ण है। ये 94% से कम नहीं होनी चाहिए। ये ऑन हो चुका है। ऐसे ऑन होने के बाद अपनी मिडल फिंगर में लगाएं। एक मिनट तक लगाए रखें। रीडिंग को स्थिर होने का वेट करें। छाती पर हाथ रख के थोड़ा धीरे धीरे सांस लें। आराम आराम से सांस लें। नाइन्टी एट। और ज़्यादा डीप जानकारी के लिए ये पल्स ऑक्सीमीटर यूज़र मैनुअल को पढ़ें। यह हमें बताता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वो 95% होना चाहिए, यानी 95, वहाँ पे रीडिंग शो होनी चाहिए। अभी मैंने जो रीडिंग दिखाई थी वो 98 करीब थी, 98 के आसपास थी, यानी कि वो जो ऑक्सीजन लेवल था वो एकदम ठीक था। क्योंकि जो SpO2 लेवल होता है वो नॉर्मल इंसान के लिए 95% उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई क्रोनिक लंग डिसीज़ है या स्लीप एपनिया है
तो नॉर्मल लेवल 90% चल जाएगा, लेकिन घर पर अगर आप चेक कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड के अंदर वो अगर 95% से कम आएगा तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करेंगे। ये चीज़ें ध्यान देने वाली है, ध्यान दें 95% या 95% से हाइयर नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल हुआ, उससे कम होगा तो आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करेंगे।